तो स्वागत है भाई नई वीडियो में। और एकदम से हम लोगों का जो प्लान बनाया है वो किसी को पता नहीं था, मुझे भी नहीं पता था। हम निकल रहे उत्तराखंड के लिए, बस यहाँ से निकल पाए फिर बताते हैं आपको मिलते रास्ते में। जब तो भाई हुआ यूँ कि एकदम से प्लान बना, इधर रुचिन भी तैयार हुए, वो भी टाइम हो चुका है 5:22, शाम हो चुकी है और हमको यहाँ से नॉन स्टॉप चलना है उत्तराखंड और नीम करौली बाबा के लिए। नीम करौली बाबा के लिए चलना है, यहाँ से नॉन स्टॉप चलना है। तो लेट तो काफ़ी हो ही गए क्योंकि टंकी में सुबह से फुल करा के घूम रहा था, कोई मिल नहीं रहा था। मैं यही सोच रहा था कोई मिल जाए मेरे को, कोई मिल जाए तो मैं निकल लेता हूँ यहाँ से। तो शाम होते होते रुचिन भाई रेडी हो पाए और हम भी राइड के लिए निकल लिए। और यहाँ से नीम करौली डायरेक्ट रुकना है। दो भाई सुबह निकले थे जो कि पहुँच चुके हैं, तो हमें काफ़ी लेट हो गया। यही में जाना है कि नहीं जाना है, जाना है कि नहीं जाना है, इसी के चक्कर में लेट हो गए हम। पर कोई नहीं, निकल लिए हैं फिलहाल। और तो कोई नहीं, हम तो निकल लिए हैं, तुम कब निकलोगे इसी आस में सब बैठे रहते हैं। तो आप भी जाओ घूमो टहलो, इंजॉय करो लाइफ का, हम तो कर रहे हैं। एकदम से प्लान बना कोई था नहीं। और ऐसा होता भी है अगर हम कोई प्लान बनाते हैं तो वो सक्सेस नहीं होता है। हमारा प्लान कोई भी प्लान हो, एकदम से ही जो होता है वो हमारे साथ हो जाता है। तो कोई नहीं, मिलते हैं रास्ते में बता। तो फर्स्ट छोटा सा स्टॉप हो चुका है क्योंकि क्रॉसिंग बंद निकली यार यहाँ पे। कोई नहीं, 10 किलोमीटर चल चुके हैं घर से, माधवगंज पहुँचे हैं, क्रॉसिंग बंद निकली है, पहुँचते हैं यार। टाइम तो लग ही जाएगा, 5:35 हो गया है। तो 22 किलोमीटर चल चुके हैं, आ चुके हैं यहाँ पे बिलकग्राम चौराहा। यहाँ से हमको हरदोई जाना है और यहाँ से राइट मुड़ लेते हैं। और ये बुलेट वाले भैया हमारे साथ रेस रेस कर रहे थे। तो ये जो भाई की बाइक है फुल्ली मॉडिफाई है और दिखाते हैं आपको। तो ये देखो एक नंबर की भाई साहब बाइक जो है मॉडिफाई कराए, एक नंबर की ब्रक है भाई। और अपन चलते हैं आगे। तो प्रॉपर हरदोई आ चुके हैं और 6:09 हो गया है, 46 किलोमीटर चल चुके हैं, शाम हो चुकी है हल्की हल्की। अगर हम हरदोई के अंदर से जाते हैं तो काफ़ी ज़्यादा समय लगने वाला है। तो हम इधर से जाके, इधर से यार उल्टा पड़ेगा, इधर से जाते हैं लेफ्ट से, लेफ्ट से जाके बाहर बाहर निकलते हैं सीधे रोड पे मेन वाली। 20 से जाना, ट्रैफिक भरा रास्ता मिलेगा, इधर से थोड़ा सा हल्का पड़ जाएगा। ओ भाई, तो हरदोई क्रॉस करना रहेगा, हरदोई में थोड़ा सा टाइम लगेगा, ट्रैफिक रहेगा क्योंकि सिटी है और सिटी में प्रॉपर टाइम लगना है। तो मिलते हैं हरदोई पार करके। तो भाई काफ़ी ज़्यादा समय लग गया यार हरदोई पार करने में, 6:21 हो गया और हम 53 किलोमीटर चल पाए हैं अभी मात्र। और हरदोई में लिखा था कि आप नैनीताल 273 किलोमीटर, तो काफ़ी ज़्यादा दूर है ट्रैवल करना है, तो काफ़ी समय लगना है। तो अब कोई नहीं, हरदोई जो है क्रॉस हो चुका है और हम प्रॉपर से पुनः अपनी स्पीड धारण कर चुके हैं क्योंकि हमारा जो पीछे का सीन था उसमें रोड भी गड़बड़ थी। और ये अब शाहजहाँपुर तक ऐसे ही मिलेगी हमें, तो हमें लगता है हमें जो अपना चश्मा है वो उतार देना चाहिए। अब दिखना मेरे को बंद हो गया है, उससे बहुत हल्का हल्का दिख रहा है। 5:54 हो गया है और हम अपनी स्पीड जो है थोड़ा सा अप करते हैं क्योंकि ये 80-90 से कुछ होने वाला नहीं है, काफ़ी ज़्यादा समय लग जाएगा 80-90 में चलेंगे। तो थोड़ी सी अप करके चलाते हैं, वो आपको कैमरे में नहीं दिखा सकते बट सेफ्टी के साथ हैं पूरा, देख रहे हो। तो मिलते हैं क्या बोलते हैं शाहबाद के आगे शाहजहाँपुर की तरफ जो पहुंच जाते हैं। तो अभी 6:33 हो चुका है, 55 किलोमीटर चल चुके हैं। तो भाई शाहजहाँपुर आते आते 7 बज गया और 108 किलोमीटर चल चुके हैं और 7:02 हो चुका है। हमको सिटी में नहीं जाना है, शाहजहाँपुर के अंदर नहीं जाना है, ये बाईपास है, यहाँ से हमको लेफ़्ट लेना है। तो यहाँ से थोड़ा सा पानी लेते हैं और मच्छर काफ़ी ज़्यादा मर चुके हैं। तो भाई एक बार
गोप्रो की हालत देख लो, मच्छर भाई कितने भयंकर भयंकर से मरे। कांच जो है हम साफ करते करते आए, इस वजह से ऐसा हो गया। मच्छर भाई एक बार देख लो। तो शाहजहांपुर को करते हैं बाबा, बरेली की तरफ निकल रहे हैं। बरेली वेलकम करेगी हमारा। तो भाई बरेली पहुंचे हैं और अपने दोस्त के घर। अभी टाइमिंग क्या हुई है एक मिनट देख लेते हैं। टाइमिंग हो गया 8:18 और गाड़ी चल गई 178 किलोमीटर। और आज का जो स्टे है वो हम लोगों ने सोचा यहीं पे करते हैं, क्योंकि वहाँ पे क्या सीन है, अभी दो लोग जो पहुँचे हैं मुरारी, तो वो बोले हैं कि वहाँ पे बारिश चल रही है, तुमको पूरी रात लग जाएगी चलने में। तो हमने सोचा टाइम वेस्ट ना करें, तो आज की स्टार्टिंग हमने यहाँ से बरेली से करी है। कल अपडेट मिला था, जो हमारे दो मित्र पहले से वहाँ पहुँच चुके हैं, उन लोगों ने बोला कि यहाँ पे बारिश और ओले जो हैं काफ़ी ज़्यादा हैं। तो यहाँ पे मित्र थे हमारे बरेली में छोटू, उनके वहाँ पे हमने स्टे कर लिया था। बहुत बहुत धन्यवाद छोटू भाई को। और यहाँ से हम निकल चुके हैं, 4:41 हो चुका है। आज की राइड यहीं से शुरू करते हैं। तो भाई वो मिलक वाला रोड छोड़ के अपना रुद्रपुर हल्द्वानी रोड पे आ चुके हैं। और आते ही सर्वप्रथम टोल, तो इस पे तो हमें लगता है बाइक का पड़ता नहीं है। आगरा एक्सप्रेसवे पे बाइक का टोल देते देते भाई आदत सी बन गई है, ऐसा लगता है हर टोल पे हमको पैसे देने पड़ेंगे। नहीं, ये वाली हम लोगों की रो है, दिक्कत हो जाती भाई उधर से जाते तो। तो भाई उत्तराखंड में हमारा बहुत पहले स्वागत हो चुका था, अंधेरा था इस वजह से हम कैमरा ऑन नहीं किया अपना। और उत्तराखंड आ चुके हैं और ठंडी भाई बेसुमार है, ऐसा लग नहीं रहा है। मुझे लग रहा है यार मैं तो जनवरी में आ गया हूँ, काफ़ी ज़्यादा ठंड महसूस हो रही है मेरे को। हो सकता है यहाँ के लोगों को ज़्यादा नहीं है। और ये देखो नज़ारा कुछ ट्रेन का, प्यारी सी लग रही है आराम से जाते हुए, मस्त। तो ये एक प्यारा सा मंदिर श्री देवी भागवत हो रही है शायद यहाँ पे। अब आपको दिख रहा होगा कि सूर्य जो है प्रॉपर तरीके से उदय हो चुका है, ऐसे नहीं बोलना था। तो आप लोगों को दिख रहा होगा जो सूर्य है वो पूर्णतः उग चुका है और पहाड़ियों को चीरते हुए ऊपर निकल चुका है। और प्यारी सी सुबह लेके आ गया है हम लोगों के लिए भी और आप लोगों के लिए भी। और ये रही खूबसूरत सी पहाड़ियाँ। और हमें अभी काठगोदाम यहाँ से 14 किलोमीटर है, तो 14 किलोमीटर और चलने के बाद में कुछ रुकने का सीन बनाते हैं पुल पे आराम से, वहाँ पे मज़ा आएगी। ये देखो हवा चल रही है यहाँ पे, तो ऐसे बाइक से नहीं पता चल रहा था, जब हम लोगों ने झंडे उड़ते हुए देखे तो पता चल गया। और ये उत्तराखंड में ऐसा होता है, ये पुष्पा भाव के सारे ट्रक खड़े हुए देख लो। हमें लग रहा पुष्पा भाव धरने बैठ गए क्या भाई, सब एक तरफ से देखो तीन तीन लाइनें लगी हुई हैं ट्रक की। फर्स्ट रिवर क्रॉसिंग, एक पिछले कभी आए थे तो यहाँ पे यार पवन चक्कियाँ लगी हुई थी, पता नहीं कहाँ निकल गई वो। और ये देखो रिवर कैसी है, बिल्कुल सूखी पड़ी है, पानी तो है ही नहीं इसमें यार, जरा भी कहाँ गया पानी यार सब। चलो बारिश में आ जाएगा कोई नहीं, अभी तो पानी नहीं है। तो यहाँ कुछ छोटी हो गई यार, ये तो देखो चलने वाली है पवन चक्की चलने वाली है। ये देखो तीन लगी हैं यहाँ पे और एक अभी चल नहीं रही है, तीनों बंद है, थोड़ी थोड़ी घूम रही हैं। पर यार पहले जब आए थे कभी तो हमें लग रहा काफ़ी बड़ी बड़ी सी थी, अभी काफ़ी छोटी हैं। तो हम फाइनली काठगोदाम पहुंच चुके हैं, अब चाय की चुस्की मारते हैं। और ये रहा कुछ स्टेडियम सामने, भयंकर सा हिल रहा यार। ये देखो पैदल जा रहे हैं इनके कपड़े, ऐसे पता चलता है कि हाँ हवा तेज चल रही है। ये देखो स्टेडियम है इंदिरा गांधी इंटरनेशनल स्पोर्ट। तो कोई नहीं भाई आ चुके हैं पहाड़ियों में। और ये देखो सूर्य कैसे निकल रहा है भाई, कितना अच्छा मौसम है पूछो ही नहीं, ठंड तो नहीं लग रही है, मज़ा आ रही है। और ये देखो गेहूं कितने छोटे छोटे हैं भाई, बाली हमको लग रहा है जमीन में ही निकल आई। ठंडी ठंडी हवा चली,
धीरे चले, धीरे चले भाई, धीरे चले। जय हिंद जय हिंद। तो यार एक सीन था कल घर पे मेरे बेटे के साथ में, यार उसकी याद आ गई। ये देखो स्ट्रेट सा रास्ता, यूं जाके फिर यूं, मन कर रहा है खींचने पर नहीं, ऐसा नहीं करना है। ये देखो यहाँ से बिल्कुल हाँ। तो बेटे का सीन ये था यार, कल उसके टीके लगे थे दोनों पैर में और एक हाथ में, तो बेचारा यार वो बहुत रो रहा था। बेटे की याद आ रही है, बेटा मिस यू, गुड मॉर्निंग, राम राम, जैसे सुबह करते हैं बेटे तुमसे। पास नहीं हो तो क्या हुआ, दिल तो तुम्हारे पास है, मन भी तुम्हारे पास लगा हुआ है। तो एक प्यारी सी सुबह रुद्रा के लिए, गुड मॉर्निंग, राम राम रुद्रा, लव यू। काश तुम अच्छे से आज रात बिता पाए हो, काफ़ी दर्द हो रहा था उसको और वो रोने लग रहा जा रहा था, सिसिक सिसिक के रो रहा था। रुकिए कृपया अपना वन उपज की जांच कराएं। तो हमारे में कोई लकड़ियां हैं नहीं वैसे, ना कोई हम ट्रक लेके आए हैं कि मेरे पास लकड़ियां हों। तो ये फर्स्ट मंदिर इधर भी एक बन रहा था, फिर दोबारा से बनना शुरू हो गया, ये नीचे से जाके पथ है इसका। जय हो जय हो जय हो। तो सामने एक कांच लगी है, उससे पता चल जाता कोई आगे गाड़ी है तो नहीं। नहीं है, मोड़ पे कोई भी नहीं गाड़ी है। और ये आ गया पुल, यहाँ पे लग रहा है पानी चल रहा है भाई, यहाँ पे ठंडी ठंडी हवा, अरे भाई यार इतना ठंडा मौसम और ऊपर धूप। नैनीताल 35 किलोमीटर, रानीखेत 83, अल्मोड़ा 86, भीमताल 20, रुद्रपुर 36। तो भीमताल हमें जाना है तो वो 20 किलोमीटर है ताल के लिए भाई, यहाँ से मुड़ लेते हैं। ये देखो केदारनाथ यहाँ से 311 किलोमीटर, बद्रीनाथ 330, कर्णप्रयाग 205, कुछ भी इधर से ही यार हम लोग जा सकते हैं। 311 किलोमीटर जाने के बाद में भाई हम लोगों को केदारनाथ मिल जाएगा, तो इधर से भी सही है। 308 किलोमीटर चल के आए, 600 किलोमीटर हो जाएगा, सावधानी पूर्वक देख कर चलें। दुर्घटना भाई सट से, देखो कितना तगड़ा मोड़, मजा आ गई मोड़ के, धूप भी लग गई सामने से। पंचेश्वर 189 और पहाड़ जो हैं भाई काफी सारे। सूखे सूखे जैसे लग रहे हैं, कोई पहाड़ों में जान नहीं है क्योंकि अभी बारिश नहीं है, बारिश होते ही देखना ये सब हरे हरे हो जाएंगे। और ये पहाड़ियों पे ऐसे चलाते हैं हम भाई, स्टार्टिंग कर दिए चलना। और यहाँ से कैंची धाम जो है 31 किलोमीटर दिखाई दे रहा है और 56 मिनट का रास्ता है मैप पे, तो देखते हैं। 7:14 हो चुका है। अरे भाई तुमको क्या हो गया, तुम गिर का रहे पदम
पुरी 32 किलोमीटर, भवाली 24, खुटानी 18। और ये देखो प्यारा सा सीन, जहाँ पे चाय पी थी यहाँ वो बोल रहा था कि रात में बाघ आ गया था, उसके त्रिपाल उपाल सब फाड़ फूड़ दिया है, कह रहा था बहुत परेशान करते हैं। ये देखो गलत टर्न कर रहे हैं भाई साहब, मोड़ पे ओवरटेकिंग। एक बार सामने का व्यू देख लो, ऊपर घर बने हुए पहाड़ पे, कितना प्यारा सा लग रहा है। उधर धूप धूप धूप, इधर छाया छाया छाया। और हम भी आ गए धूप में। नीचे का सीन देखो भाई, कितना तगड़ा लग रहा है यार। ओ, कैंची धाम 27 किलोमीटर, ओके भीमताल 9 किलोमीटर पहुंच रहे हैं, कैंची धाम 27, तो 8 बजे तक पहुंच जाएंगे, कोई ज़्यादा दूर नहीं बचा है। बस ऐसा ही रास्ता मिलती रहे। तो ये देखो मंजर देखो एक बार नीचे का, तो ये वापसी में आके आपको भी दिखा सकते हैं आराम से। वो सामने देखो ट्रैक गाड़ियों का कैसा लग रहा है देखने में, काफ़ी अति सुंदर। तो भीमताल 9 किलोमीटर बचा है, अभी पहुंच रहे भीमताल। अभी जो सीन है नीचे का एक बार देखो, दिख रहा है क्या? मुझे दिख रहा है, आप लोगों को पता नहीं दिख रहा है कि नहीं दिख रहा। दिखाने की कोशिश तो कर रहे पूरा। फिलहाल तो अभी हमको नज़रें जो हैं अपनी रोड पे टिका के चलना है, ज़्यादा कुछ नहीं दिखाना है इनकी। गड्ढा बना दिया। तो ये देखो स्टेप बाई स्टेप जो ये पहाड़ी दिख रही है, कितनी प्यारी लग रही है। इस पर बैठ के आप एंजॉय भी कर सकते हैं। कहाँ से हम लोगों के उधर होता तो लोग इस पर शाम वाली जो पार्टियां हैं बैठ के सिप करते, मज़ा आ जाती। क्या हुआ? हमारे नसीब में लुंडे लिखा है पीछे बैठना भाई, देखो। बार पास से देख लो, ये है भीमताल, दिख रहा भाई? मन नहीं कर रहा नहाने का, इस वजह से हम कूदने वाले नहीं हैं इसमें, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा ठंडा पानी भी होएगा, ठंड हमें लगी चुकी है सुबह सुबह, तो इसमें कूदने का कोई मतलब बनता नहीं है। बस सबसे पहले टारगेट है कैंची धाम पहुंचना, तो कैंची धाम पहुंचते हैं, अपने दोस्तों से मिलते हैं जो अभी कुंडली मारे बिल्कुल सो रहे हैं भाई, उठने का नाम ही नहीं ले रहे। फ़ोन दो बार कर चुके हैं, किसी ने उठाया नहीं, पता नहीं भीम, अच्छा कुंभकर्ण वाली नींद सो रहे हैं, हमने सोचा भीम वाली नींद सो रहे होंगे, तो भीम वाली नहीं कुंभकर्ण वाली नींद सो रहे हैं। पूरा पैसा वसूल कर रहे हैं जो रूम लिया है। तो काफ़ी अच्छा सीन है ये यहाँ का, तगड़ा सा। भाई ठंड बहुत ज़्यादा होने लगी है यहाँ पे यार आके, बिल्कुल क्या बोलें यार, भयंकर सी लग रहा है। आ यहाँ का भी टेम्परेचर देखेंगे पहुँच के कि यहाँ पे कितना है, फिर बताते हैं आपको। यहाँ का हमें लग रहा है तो 13-14 होना चाहिए, जिस हिसाब से ठंड लग रही है उस हिसाब से 13-14 होगा। ये देखो पोल वोल भाई, कोई तोड़ के चला गया ये तो, कोई गिर गया क्या इसमें? पक्का कोई गिरा होएगा, पेड़ भी टूटा है। देखें क्या, नहीं देखते हैं, ये सब चीज़ें ना देखो वो ज़्यादा सही है। छाया हो धूप में, वो आप सब देख के बताइएगा। कैंची धाम 5 किलोमीटर यहाँ से है, मात्र 5 किलोमीटर। और लड़के अभी भी दोनों सो रहे हैं, क्या बताएं यार। मुरारी फ़ोन क्यों नहीं उठा रहे तुम? चलो देख लेंगे कहाँ तुम्हारी महाकाल खड़ी है।
वो भाई उधर वाला जो सीन है, अंधेरा अंधेरा लग रहा है, इतना ज़्यादा ऐसा लग रहा है, डर लग रहा है। तो भाई एक बार नीचे का सीन देख लो, वो रहे अपने कैंची धाम नीम करौली बाबा, ऊपर से ये दिख रहा है सीन। अभी भी 2 किलोमीटर है, अभी भी 2 किलोमीटर है, देखो मैप में भाई। यहाँ से 3 किलोमीटर ऊपर से दिख रहा था कि वो कैंची धाम है, आने में इतना टाइम लग जाता है टेढ़े में। हाँ यार हम लोग तो पहुँच चुके हैं, फ़ोन कर रहे हैं, लौंडे फ़ोन ही नहीं उठा रहे यार, पता नहीं कहाँ रह गए, दिमाग ख़राब कर रहे हैं, पता नहीं। गाड़ी अगर बाहर खड़ी हो तो मज़े ही आ जाए। ये देखो कैंची धाम बाबा में कितनी भीड़ है यार आज तो, वो देखो लाइन लगी हुई है। जय हो नीम करौली बाबा। पर यार क्या बताएं, कहीं बाइक ही खड़ी दिख जाती बाहर तब भी कुछ ढूंढ ढान लेते हैं इनको। चलो ढूंढते हैं, देखते हैं यार कहाँ है। 1 बजे तक की इन लोगों का लास्ट सीन दिख रहा है व्हाट्सएप का, तो जाहिर सी बात है ये लोग 2 बजे सो पाए होंगे, तब तक के लोग जगते रहे। हद है यार, देख लें कहीं पे खड़ी है क्या। यार महादेव मिल गई, मिल गई भाई वो खड़ी। उतरो उतरो उतरो, फोन अभी भी लौंडे नहीं उठा रहे हैं, पर हमको गाड़ी दिख गई है इनकी। एक बार पूछते हैं यहाँ पे कौन सी पार्किंग है यहाँ पे इनकी। काट दिया क्या? यस थे बता रहे हैं। फोन करो एक बार, चाबी निकालो चाबी गाड़ी से। ये हमको दिख गई है इनकी गाड़ी भैया, ये देखो UP 32 महाकाल यहाँ पे खड़ी है। अब ये ढूंढना है कि ये लोग हैं कहाँ पे। लोगों ने ऐसा दौड़ाया भाई, इधर देखो भाई हमने कितनी कॉल करी, हमने हमने नहीं दौड़ाया भाई कुछ भी, तुम हमारे घर के जस्ट सामने खड़े हुए, तुम्हें पता होना चाहिए था। तो ये अपनी बाइक खड़ी है, वो उनकी वहाँ पे हमने बाइक देखी थी, जैसा कि आपको बताया हमें बाइक देख ली थी, तो हमें पता चल गया यहाँ पे। इनसे पूछा भाई हमने, पूछा लखनऊ से कौन लड़के हैं, कह रहे भाई ये तो फ्री पार्किंग है, कहीं भी कोई खड़ी कर सकता है। भाई साहब ऐसा होना नहीं चाहिए। तो आज ये बर्थडे बॉय भी हैं, तो इनका हम बर्थडे विश करने के लिए इतना दूर आए हैं, इनको ढूंढने के लिए, इनसे पार्टी भी लेनी है। तो हैप्पी वाला बर्थडे भाई साहब। थैंक यू भाई, थैंक यू। और तुम बहुत दूर निकला है, तुम सोच रहे थे हम गांव से निकल लेंगे तो हमको खर्चा नहीं करना पड़ेगा, पार्टी नहीं देनी पड़ेगी, कि चलते हैं बाबा के घर पे। तो वो बाबा का धाम उधर है और उधर धूप भी निकली है, यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा ठंडी है। तो अभी का सीन देख लो, अभी का सीन देख लो, ये वाला रूम था, इसी के अंदर रुके हुए हैं, तो काफ़ी ज़्यादा भयंकर सी ठंड लग रही है। तो अब इनसे मिल लिए हैं, अब थोड़ी देर में नहाते हैं, थोड़ा सा फ्रेश होते हैं, फिर उसके बाद में मिलते हैं आप लोगों को। तो ये वाला ब्लॉग को करते हैं यहीं पे एंड, क्योंकि बहुत बड़ा हो जाएगा, फिर इसके बाद तुरंत दूसरे ब्लॉग में मिलते हैं। तो इस ब्लॉग में बाय बाय, और बने रहिएगा आगे के लिए। तो भाई ठंड बहुत है, बाय बाय।